Very warm welcome once again. I hope the main page of the presentation, which is power of ratio charts, is visible to each one of you. तो देखिए, सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं कि रेशियो चार्ट्स क्यों करना है हमें. तो रेशियो चार्ट्स बेसिकली है क्या, हम ये प्रेजेंटेशन में सीखेंगे, और रेशियो चार्ट्स हमें कैसे एक नया नजरिया दे सकता है मार्केट को अंडरस्टैंड करने का. आपने मूवी देखी होगी धूम, आई थिंक ये धूम 1 में था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. दिस मूवी हैड ड्यूअल रोल ऑफ आमिर खान. सो द रोल ऑफ द कैरेक्टर वाज समर खान एंड साहिर खान, एंड अपेरेंटली बोथ ऑफ देम वेयर ट्विंस. One of them was very smart, one of them was the smarter guy, and the other one was slightly lower on the IQ side and could not do basic stuffs, and you know, dono ke characteristics mein kafi zameen aasman ka farak tha. Dono ko dekhne mein similar lagte the, lekin pehchanna, like you know, dono ki jo characteristics thi wo kafi different thi. So ratio chart jo hai, they give you a dimension like this where you are able to distinguish between two very similar stocks, but in a way that earlier was not possible by just seeing absolute charts. Ab absolute chart kya hota hai? Absolute chart yani ki aapne Nifty ka chart khola, Nifty dekha absolute chart, aapne Bank Nifty ka chart khola, Bank Nifty ka chart dekha, ye ho gaya absolute chart. Ratio chart mein hum do cheezon ko compare karte hain. Aapne kabhi sabzi li hogi market mein jaake, to weighing machine par wo jo sabzi wala hota hai wo ek set weight hota hai uske sath compare karta hai ki agar mujhe 1 kilo koi lena hai to 1 kilo ke samne comparison mein वो weighing scale proper match हो रहा है कि नहीं. That is what meaning of a comparison is. That is what meaning of the ratio chart is. So ratio chart का advantage ये है, the advantage of ratio chart is it will give you an insight that what the smart money is doing. Many times what happens is the market has so much of volatility, so much of dynamism. At times you are not able to exactly see unless the outperformance becomes very big. क्रीम वही है व्हेन यू आर एबल टू बाय इट अर्लियर, जब आप सही टाइम पे खरीदो और वो आउट परफॉर्मेंस आए और आप प्रॉफिट बुक करो, वहां पर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको पैसा बनाना है. लेकिन जब तक वो आउट परफॉर्मेंस बढ़ी नहीं होती तब तक हम या तो काफी लेट कर देते हैं या मौका मिस हो जाता है. लेकिन रेशियो चार्ट्स में ये बहुत जल्दी आइडेंटिफाई हो जाता है कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, यहाँ से एक आउट परफॉर्मेंस का मूव आ सकता है. अब एब्सोल्यूट चार्ट्स कई बार मिसलीडिंग हो सकते हैं, यानी कि आपको एग्जाम्पल देता हूँ. आप टायर कंपनीज ले लीजिए, आज की तारीख में आप सारे टायर कंपनीज देख लीजिए, अपोलो टायर, बालकृष्णा, यू हैव सीएट टायर्स, एमआरएफ टायर्स, सारे के सारे चार्ट्स में अपोलो टायर का अगर आप चार्ट देखेंगे सबसे स्ट्रॉन्ग है, और बाकी सब के जो चार्ट्स है वो रिलेटिवली काफी वीक है. एब्सोल्यूट बेसिस पर देखेंगे तो आपको अपोलो बाय लगेगा इस लेवल पर, लेकिन अगर आप पूरा सेक्टर देखेंगे तो सेक्टर में हाँ वो आउट परफॉर्मर है, लेकिन पूरा सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है कहीं ना कहीं. तो ये एक एक्स्ट्रा कॉशनरी स्टांस, एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ डेटा आपको रेशियो चार्ट से मिलता है. तो आने वाले स्लाइड्स में मैंने इंक्लूड किया है हाउ कैन वी यूटिलाइज दीज रेशियो चार्ट्स टू आवर एडवांटेज एंड बेनिफिट फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट. सो हाउ डू वी प्लॉट रेशियो चार्ट्स? सी द देयर इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट वे टू डू दिस. इसमें कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, इसमें देर इज नथिंग, देर इज नो मनी इन्वॉल्व. यू कैन सिंपली गो ऑन टू दिस पब्लिक वेबसाइट कॉल्ड ट्रेडिंग व्यू एंड यू कैन सी दिस चार्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. लेट मी टेक यू यू नो हाउ वी कैन डू दिस. सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव ओपन्ड द वेबसाइट ऑफ tradingview.com. तो चिंतन, यू कैन कंफर्म इफ द गूगल क्रोम ब्राउजर इज विजिबल एट योर प्लेस. यस सर, इट इज विजिबल. So I have just opened a Nifty chart. So I've launched the Nifty chart. Nifty का chart इसके अंदर ऐसा आ जाएगा, daily chart है ये. अब आपको ratio chart देखना. अभी ratio chart मतलब क्या? आपको compare करना है कि Nifty कैसे perform कर रहा है vis-a-vis say example US markets. So what we have to do over here is you have to select Nifty. There is on the right hand side there is a divide button. So press divide on that. And press Dow Jones. Dow Jones is the American index. So Dow Jones Industrial Average. And I press Enter. So the moment I do that, it shows me a new chart. I will say place monthly charts on this. Okay. So this is a ratio chart of Nifty divided by Dow Jones. अब स्टैंडअलोन आप अगर देखोगे तो निफ्टी की अपनी एक वेवलेंथ है, स्टैंडअलोन आप देखोगे डाउ जोन्स की अपनी एक वेवलेंथ है, लेकिन कंपैरेटिव बेसिस पे व्हाट इज हैपनिंग इज वी हैड अ वेरी गुड अप
अप मूव पीरियड फ्रॉम 2020 अंटिल 2000 अक्टूबर 22. ये जो दो साल का पीरियड था, इन दिस टू ईयर पीरियड निफ्टी आउट परफॉर्म द डाउ जोन्स, यानी कि एवरी टाइम द यूएस मार्केट्स वेंट अप the Nifty went up even higher and we enjoyed this outperformance. This is the bull market that we all saw in the last 2 years. Now what has happened is starting November 22, this outperformance has now got blunted and it is coming back to the mean. It is coming back to its original levels, which is around 0.5, 0.550. So what is happening is the outperformance has now come back to closer to neutral territory, and it may be possible that if this chart continues the way it is, we might see lower levels somewhere around 0.5, 0.45, and the underperformance just keeps on continuing. So what this chart suggests is, if you are tracking US markets and say if you are tracking Nifty, and the chart is clearly suggesting that we've seen a pullback and there is a good possibility that this pullback continues, say until 0.5, which means every up move in the US market may not get bought into Indian markets. यानी कि हर अमेरिकन तेजी के पीछे हमारी मार्केट शायद ना चले, क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर बनी हुई है. लेकिन थोड़ा सा पिक्चर में जूम आउट करके देखूं, यानी कि थोड़ा सा बाहर जाके अगर हम देखते हैं, तो एक बहुत ही 2000 से लेके जो ये पीरियड था, 2000 से लेके 2011 तक का एक 10 साल का पीरियड था, जो बहुत ही बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस निफ्टी में थी एज कम्पेयर टू यूएस मार्केट्स. एंड देन देयर वाज अ कंसोलिडेशन एंड वी हैड मेनी फेजेस. Chartically speaking, this is giving me a relative positioning of how the Nifty is placed vis-a-vis as compared to the American markets. So let's take this a step further and see, how can we actually use this to create trades and form a view on a certain underlying or a stock. So coming to the next slide. Okay, so what are ratio charts? A lot of us would have seen cricket. Cricket is a favorite game. Cricket is a religion in India. So, in cricket, when we see it on TV, there is a scoring comparison. So, many of you would remember the worm. So, for example, Team A, India has batted and say reached to 65 runs. Team B tries to catch the score, and somehow or the other, we are able to sort of gauge. Okay, the orange team is underperforming the blue team. Blue team is doing well, blue team was relatively better. So that way we can have a comparative study of how the two teams are performing. Same way in the markets, hum market mein bhi aisa comparison kar sakte hain, jahan pe cross sector ya same sector comparison kar sakte hain. Cross sector matlab kya? Cross sector matlab FMCG versus banks, metals versus auto, IT versus bank Nifty. It could be any sector across the board. आप compare कर लो, और compare करने के बाद आपको पता चलेगा कि okay, इनमें से सबसे strongest आज की तारीख में ये sector है, इनमें से strongest सबसे ज्यादा ये stock है, और इसीलिए मुझे ये stock buy करना चाहिए. दूसरा, आप इसको asset class के like cross asset class भी compare कर सकते हो. What is cross asset class comparison? To give you an example, many stocks are they move based on what is happening in the commodities. So for example, gold financing companies will move up or down based on what is happening in the gold prices. Oil related stocks like paint companies will move based on what is happening in the Brent oil prices, and so on. So you can actually do a comparative analysis of cross sector, across asset class, yani ki ek side commodity, ek side equity, and then come to a conclusion, okay, this is what is happening. Every time crude oil goes down, paint companies goes up, or every time there is a correction in gold prices, gold financing companies also come down. So inverse relation hai ki direct relation hai, ye aap pata laga sakte ho. Lastly, aap index ke sath bhi compare kar sakte ho, yani ki aapki aapne pichle samjho 3-2 mahine mein market December se market thoda sa trading ke liye mushkil raha hai, lekin is mushkil period mein kaun se aise stocks hai jo Nifty ko beat kar rahe hain. Jaise example, Capital Goods has been doing well, Capital Goods have beaten the market in this last 2 months. We've seen pockets of the market where we've seen outperformance, then we've seen a lot of underperformance as well. For example, Adani group of companies have seen a severe beating happening in this entire phase, so and so on. So basically, ratio charts give you an access to cross sector or same sector, to cross asset class or same asset class, and lastly a comparison with what is happening with respect to the index. Okay, so how to read ratio charts? Abhi हमने चार्ट का एक एग्जांपल देखा, रेशियो चार्ट कैसे प्लॉट करते हैं वो देखा, बट उसमें रीड कैसे करते हैं, यानी कि उसका एक सिंपल अगर मैं किसी 10 साल के बच्चे को समझाऊं कि ओके ये ऐसे रीड करना है, तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका मीनिंग कैसा है. अब देखिए, कैलकुलेट कैसे होता है हमको वो देखना है सबसे पहले. तो
तो रेशियो चार्ट्स का सिंपल मतलब ये है कि रिलेटिव कंपैरिजन कर रहे हो, यानी कि राम और श्याम दो भाई है अगर, और दोनों भाइयों में से अगर एक भाई अच्छा कर रहा है दूसरा भाई अच्छा नहीं कर रहा है, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि ओके राम के मार्क्स 100 में से 90 आए और श्याम के मार्क्स 100 में से खाली 80 आए, तो जिसके 90 मार्क्स आए वो ज्यादा अच्छा कर रहा है। तो जब दो चीजें होती है तो कंपेरिजन करना ईजी हो जाता है, तो आपको रेशियो चार्ट से रिलेटिव कंपेरिजन देते हैं। अब जो न्यूमरेटर में होता है उसको हम लेट्स उनको बोलते हैं एन, और जो डिनोमिनेटर में होता है रेशियो कैलकुलेशन में उसको बोलते हैं टी। अगर ये रेशियो अप ट्रेंड में है, यानी कि रेशियो समझो जैसे हमने ग्राफ में देखा कि रेशियो ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है, तो जब एन बढ़ेगा या डी घटेगा तो ये रेशियो ऊपर जाएगा। यानी कि समझो आपने न्यूमरेटर में राम को लिया और डिनोमिनेटर में श्याम को लिया, और राम के मार्क्स अगर ज्यादा आते हैं तो राम विल आउट परफॉर्म एंड द रेशियो विल गो अप। आप इसमें एक और लेयर लगा सकते हो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक्स जानते हो, जैसे आपको मोमेंटम इंडिकेटर लगाना है या आपको कोई पैटर्न देखना है, आप उसी चार्ट के ऊपर प्लॉट कर सकते हो। और साथ ही में कई बार क्या होता है प्रॉफिटेबल ट्रेड में कैसे एग्जिट लेना है, कहाँ पर एग्जिट निकलना है आपको, कहाँ पर ऐसा लगता है कि भाई ये वाला जो पेयर है ये वाला रिलेशनशिप अब यहाँ पे मैच्योर हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करो और निकलो, ये आपको ये सारी कॉल्स आप रेशियो चार्ट्स के दम पर ले सकते हो। तो एक कुछ एग्जांपल्स हैं, मैंने तकरीबन 5-6 रेशियो चार्ट्स चुन के रखे हैं जिनको देखकर आप एक अंदाजा लगा सकते हो, मतलब आपको कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं, कोई महंगे सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, यू कैन डू दिस एट योर होम सिटिंग एट योर कन्वीनियंस विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन विदाउट एनी रॉकेट साइंस। वेरी सिंपल बेसिक एनालिसिस विल गिव यू एन इनसाइट व्हिच प्रोबेबली यू वुडंट हैव हैड हैड यू नॉट लुक्ड एट दिस पर्सपेक्टिव ऑफ द मार्केट। So this is that same chart which I had discussed. This is India versus USA or Nifty versus Dow Jones. So as you can see, the red circle is where there was massive underperformance, which means India underperformed the US markets. And on the green circle is the period where there was massive outperformance, which means India did better than the US. So India was outperforming the US markets. The rectangle that you see is a neutral phase where broadly, neither India has done exceptionally well nor US has done exceptionally well. Broadly in a range, we have been moving in tandem. So US has gone up, we go up, US goes down, we go down, and basically the relationship has remained in a broad range since so many months now, so many years now in fact. So once you know which phase of this cycle you are in, and these phases are determined by fundamentals, by core hardcore fundamentals. So there was a point in time from 1990 until 2010, China was outperforming the US markets in a big way, or China was outperforming the emerging markets in a big way. Probably we are at similar cusp where India may outperform the emerging market kitty plus the global equity scenario in a similar way for the next 10 years. So this decade could be one of those periods where this outperformance continues. Now let us see, can we compare the hottest charts, you know, or the two industrialists of our country, the two biggest names in our country, which is Mr. Gautam Adani and Mr. Mukesh Ambani. Is there a comparison that can give us an insight? So this is a ratio chart which is giving a very, very, advance alert that, you know, something like this, at least a profit booking alert this signal gave. So what we've done is we've divided Adani Enterprises numerator and divided by Reliance. So it has given us a ratio chart. So what happened was in the July 21 period, there was a peak that was formed in this ratio, which is where the RSI also peaked out almost around 100. And post that, there was some bit of correction and then eventually another round of up move came. The last round of up move that happened, yani ke Adani Enterprises continuously acha kiya ja raha tha as compared to Reliance Industries. वो जो टॉप बना वो आपका टॉप बना अर्ली 2023 में, यानी कि जनवरी 23 में या दिसंबर 22 के एंड में ये टॉप बना। लेकिन ये जब ये टॉप बना तो नीचे जो RSI इंडिकेटर था, RSI सिंपल है मोमेंटम बताता है। इसका मतलब क्या है कि RSI मोमेंटम या कोई भी मोमेंटम इंडिकेटर क्या बताता है, समझो आप गाड़ी चला रहे हो, घाट पे जा रहे हो आप, एंड द घाट बेसिकली हैज कर्विंग रोड्स, एवरी टाइम यू हैव टू टेक अ टर्न यू हैव टू स्लो डाउन, सो यू स्लो डाउन फर्स्ट एंड देन टेक अ टर्न। So these momentum indicators are something like that, where you know the stock price slows down its momentum and then the reversal happens. So this divergence, meaning the price going up, RSI indicator not going up, was indicating that there is something which is around the corner which can turn this relationship around. And the relationship was such a big turnaround that it created headlines for the last few weeks. So this is some of the insights that you can get. So possibly in this period from July 2020 until the previous top, it was a fantastic period. Every dip you would have bought Adani Enterprises, you would have made money as compared to Reliance. And
when the going was easy, it was, you know, a period where it was a unidirectional up move. But now, at least, you know, we have some insight as to how this could have been avoided by booking profits in time. Coming to the next relationship, which is between HDFC Bank and Nifty Bank. Now, Bank Nifty ne bahut kamzori dekhi hai pichle kuch dinon mein. Shorts bhi active reh rahe hain. Bank Nifty mein correction bhi aaya, lekin ye pure correction mein kahin na kahin HDFC Bank ne bahut achhi strength dikhai hai. Aur pichle 2 saal se HDFC Bank was underperforming. Now, which were the stocks which are leading the show in Bank Nifty? It was ICICI Bank, it was Axis Bank, and on the PSU side, it were the top two or three banks, which is SBI, Canara Bank, and Bank of Baroda. It was HDFC Bank which was a laggard. Now, this laggard, this ratio chart, which is suggesting, which is HDFC Bank led by Bank Nifty, is suggesting that there is a reversal on the cards. So, a falling channel hai, jo maine draw kiya hai chart ke andar, a falling channel se ek reversal, ek breakout dekhne ko mila hai. और ये ब्रेकआउट बेसिकली हमें बता रहा है कि ये रिवर्सल अच्छा खासा चल सकता है. तो अगर आपके पास 6 महीना के आसपास का टाइम होराइजन हो तो HDFC बैंक इज अ गुड बाय एज पर दिस रेशियो चार्ट. यानी कि बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में HDFC बैंक विल आउट परफॉर्म. अब ये भी हो सकता है कि भाई HDFC बैंक यही रहे और HDFC निफ्टी बैंक गिरता रहे, तो आप पेयर ट्रेड भी बिठा सकते हैं उसके अंदर. यू कैन बाय HDFC बैंक एंड शॉर्ट बैंक निफ्टी अगर आपको रिस्क कम करना है तो. बट अदरवाइज भी स्टैंड अलोन HDFC बैंक का एब्सोल्यूट चार्ट भी काफी बढ़िया है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, जिसमें हमें लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. तो एज अ स्टॉप लॉस मे बी हैव अ स्टॉप लॉस एट 10% बिलो द करंट मार्केट प्राइस एंड यू कैन टेक दिस एज एन इन्वेस्टमेंट फॉर अ पॉसिबल 20-30% अपसाइड फ्रॉम करंट लेवल्स इफ यू हैव लाइक अ 6-12 मंथ काइंड ऑफ अ टाइम फ्रेम. सो दिस इज वन ऑफ द ट्रेड्स व्हिच वी हैड रेकमेंडेड टू आवर क्लाइंट्स. The outperformance in HDFC Bank was very much visible, and we've seen 2 or 3 bouts of buying happening in HDFC Bank. Yes, it has come down along with the broader market, but on relative scale, isme mark kam lagi. Then the same comparison done with private banks. So Bank Nifty thoda broader index hai, usme private banks bhi hai, PSU banks bhi hai. Private bank mein bhi this relationship was very much valid. It is leading the pack in the private banking space, and we feel that this trend should continue in the coming months as well. Coming to the next slide, which is Asian Paints versus Brent Oil. Now, simple है, Asian Paints paint company है, इनमें raw material crude oil related आता है, और अगर crude oil के prices घटते हैं, every time it benefits Asian Paints and Asian Paints का stock ऊपर जाता है. अब 2008 से लेकर 2022 तक ये relationship एकदम husband wife की relationship की तरह थी. सब कुछ बराबर चल रहा था, तुम आगे चलो मैं पीछे चलता हूँ, तुम आगे चलो मैं पीछे चलता हूँ. तो basically every time there was a correction in crude prices, Asian Paints would do well. Every time crude oil went up, Asian Paints would come down. So this relationship was intact until late part of 22. So in the last couple of quarters, what has happened is this relationship has got dented, and now that relationship is now turning into underperformance. यानी कि crude में correction आने के बावजूद Asian Paints में कोई rally नहीं आती है. Clearly fundamental reasons हैं, margins shrink हो रहे, they are facing challenges. फंडामेंटल रीजंस अपनी जगह पर है, बट टेक्निकली इसको क्वांटिफाई ऐसा किया जा सकता है कि एक 8 से 10 साल की रिलेशनशिप की जो डिस्टर्ब हुई है, और वो डिस्टर्ब होने के बाद अब हमें लगता है कि ये अंडर परफॉर्मेंस जारी रहेगी. तो अगर आप ये ट्रेड कर रहे थे, अगले टाइम सुबह उठ के देखते हो क्रूड ऑयल आज डाउन है 3%, और आपने एशियन पेंट बाय कर लिया, शायद ये ट्रेड अब नहीं चलेगा. नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है वो आईटी वर्सेस निफ्टी. सो आईटी हमने देखा, इनफैक्ट हमने काफी बोल्डली मीडिया चैनल्स पर और अक्रॉस द मार्केट हमने व्यू दिया था तकरीबन 2 से 3 महीने पहले कि आईटी का बॉटम हो चुका है, एंड नाउ आई थिंक आईटी शुड सी अ रिवर्सल. तो रिवर्सल आईटी के अंदर आया है, बट एज कम्पेयर टू निफ्टी ये जो रिवर्सल है ये काफी अच्छा लगता है. देखिए, हमने 2020 में देखा कि आईटी स्टॉक्स वर द डार्लिंग स्टॉक्स. फ्रॉम 2020 अंटिल मिड 2021 आईटी सॉ द रैली ऑफ इट्स लाइफटाइम. Post that there was a correction, and that correction extended all the way until the recent lows that we've had a few months back. Now this chart has again reversed, and there is a very good chance that IT continues to outperform in the next 12 months. So आपका next 12 months का view IT के अंदर should be buy on dips. Absolute chart IT का अच्छा है ही, साथ ही में आपको ये perspective मिलने के बाद एक idea लग जाता है कि भले Nifty थोड़ा गिर जाए, लेकिन IT will not fall as much as the Nifty because that inherent strength is there in IT as compared to the Nifty index. Then IT versus Bank Nifty. So Bank Nifty IT ने perform जब नहीं किया, every time in the last 18 months or so IT was underperforming, it was Bank Nifty that was leading the show. Now that relationship again got changed for the other way around, which is Bank Nifty may struggle, IT may continue to do well. So even from a sector leadership
सो सेक्टर लीडरशिप जो पहले सबसे पहले आईटी के पास थी जब कोविड शुरू हुआ, आईटी से बैंक निफ्टी के पास गई और अब वापस आईटी के पास आते भी लग रही है. सो व्हेन यू डू दिस रेशियो चार्ट एनालिसिस यू गेट अ पर्सपेक्टिव कि ओके लीडरशिप में भी ऐसे चेंजेस आ रहे हैं तो आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी सी रिफाइन हो जाती है. फिर आप बाय करने के लिए बैंक स्टॉक्स नहीं ढूंढते हो, आप बाय करने के लिए आईटी स्टॉक्स ढूंढते हो बिकॉज वहां पर जो टेक्सचर है वो ज्यादा बुलिश है, डेप्थ जो है वो ज्यादा है और हर रिकवरी में जब बाउंस बैक भी आता है मार्केट के अंदर तो यहाँ पर ज्यादा रिकवरी आती है. तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ट्रेडिंग पीएनएल रिलेटिवली काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाता है. ऑटो वर्सेस निफ्टी में भी काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है. तो ये एक और एक रेशियो चार्ट है जहां पर हमने देखा कि बहुत ही दो तीन साल की अंडर परफॉर्मेंस के बाद यहां पर एक रिवर्सल बना है और जब तक मेरे हिसाब से ये पैटर्न इंटैक्ट है, एक राइजिंग चैनल का पैटर्न है, मेरे हिसाब से ऑटो सेक्टर वुड कंटिन्यू टू डू वेल. इट मे नॉट डू एक्सट्रीमली वेल बिकॉज ये रिवर्सल बहुत ही क्या बोलते हैं कि एग्रेसिव तरीके का नहीं है. द रिवर्सल इज अ रिलेटिवली राइजिंग चैनल वन जिसकी टाइम कंसोलिडेशन काफी होता है. But at least the worst is behind us and as far as this correction was concerned in auto versus Nifty relationship. So this ratio looks good. There may be dips, but dips can be utilized as buying opportunities. Then coming to the sector of this year. Now this is the sector which we feel 2023 mein should stay in the limelight. मार्केट में एक टाइम था जब ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही थी. मेरे हिसाब से अब वो टाइम है जब वैल्यू बहुत अच्छे से चलेगी. सिंपल है बिकॉज आपका मार्केट में सेम डायनामिक्स नहीं रहे. नाउ द रिस्क रिवॉर्ड्स हैव वेरी मच डिस्टॉर्टेड. आप इन लेवल्स पर फॉर एग्जांपल शॉर्ट करोगे तो स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े हैं. अभी लेवल पर बाय करोगे तो मार्केट में बॉटम नहीं बना. लेकिन उसमें से एक सेक्टर जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चमक रहा है और आउट परफॉर्म कर रहा है वो है पीएसई इंडेक्स. तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इंडेक्स अपने डेकेडल ब्रेकआउट्स पर है, यानी कि 2008 का हाई भी अभी तक नहीं निकला है इसमें. और अगर आप इसे निफ्टी से कंपेयर करेंगे तो एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर एक रिवर्सल हमने आइडेंटिफाई किया और मुझे लगता है कि अगले 12 महीने में पीएससी एज अ सेक्टर बहुत ही अच्छा मूव दिखा सकता है. लास्ट टाइम जब ऐसे ऐसे बड़े रिवर्सल्स हमने देखे थे तो स्टॉक्स में 2 गुना 2.5 गुना 3 गुना ऐसे रिटर्न्स हमने देखे थे. ऐसा मूव हमने आईटी में देखा था एक पीरियड के लिए, फिर बैंक्स में हमने देखा. सिमिलर मूव मेरे हिसाब से अगले 12 महीने में पीएससी में आ सकता है. तो ये एक तो एब्सोल्यूट चार्ट पीएससी इंडेक्स का बहुत मजबूत है, यानी कि पीएससी इंडेक्स एब्सोल्यूट बेसिस पर इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. सो एज एन इन्वेस्टर यू शुड बी इंटरेस्टेड इन दिस सेक्टर फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स एंड इवन ऑन अ रिलेटिव स्केल व्हिच इज एज कंपेयर टू निफ्टी दिस सेक्टर शुड फॉल लेस व्हेनेवर देयर इज अ करेक्शन इन निफ्टी एंड शुड राइज मोर व्हेनेवर देयर इज अ बाउंस बैक इन द निफ्टी दैट वन कैन एक्सपेक्ट. सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ माय पार्ट. वी हैव ट्राइड टू कीप दिस एज क्रिस्प एज पॉसिबल and to deliver maximum punch in the limited 30 minutes that I had today. And what we can now do is we can open the floor for Q&A. If you have any questions, just write them on the chat window that you have. Individual stock specific questions mat puchna because aaj ka webinar educational hai. Agar aapke paas koi technical questions hai, I'll be more than happy to help. Broad market view bhi theek hai, lekin individual stock specific questions ko main avoid karunga. So feel free to use your keyboard and send in your questions. I'll be more than happy to address them one by one. Okay, so काफी सारे questions आए. I'll try to take one by one. We have around 15 minutes for the Q&A. I'll try to see what is the best, in terms of adding value to the overall platform. So just give me a moment as I scroll through your questions. I've got a flood of questions to be frank. So let me just go through them and identify which one can be answering on this platform. Okay, so one question that Mr. Deven Bavaria have asked is which time frame we need to see, weekly, monthly or daily? See, when we compare ratio charts, these are ideally studied well in the long term.
See, yes, you can do this on a daily basis as well. Hourly charts पर भी देखिए आप निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेड्स भी रेशियो ट्रेड्स कर सकते हो, यानी कि आपने इंट्राडे में यू नो जैसे फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है, रेशियो चार्ट में आपने आइडेंटिफाई कर लिया बट उसके अंदर टाइम फ्रेम भी आपके ट्रेड का लिमिटेड ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आवरली चार्ट देख रहे हो तो आपकी ट्रेड एक दो तीन घंटे से ज्यादा ओपन नहीं रहनी चाहिए। आप अगर इसको एनालाइज करो थोड़ा पोजिशनल बेसिस पर, इट इज बेस्ट टू सी वीकली चार्ट्स। Weekly charts will cut out a lot of noise, and if you're taking a one-year view, I think it is best to see the monthly charts. So, जैसे हर एक चार्ट में होता है आपका जो टाइम फ्रेम है, आप जिस हिसाब से मार्केट में कमिटमेंट दे सकते हैं वो हिसाब से वो वाले चार्ट देखे। What I do generally is I do a top-down approach, जहाँ पर मैं मंथली भी देखता हूँ, डेली भी देखता हूँ, वीकली भी देखता हूँ, and then I take a conclusion that this is what is happening at a macro level, this is what is happening at a micro level, and then take a call based on sum of parts. So it is instead of seeing just one chart. It's a combination of all three charts, and then we form a view based on that. Okay, so one very relevant question that please share your market view. It is not part of today's listing, but definitely on everybody's top of mind. 1750 is a very crucial supply area, support area for the market. 200 दिन का जो exponential moving average है, 200 day EMA, we've tested that thrice in the last 12 months or so. एक बार हमने टेस्ट किया था सितंबर में, एक बार टेस्ट किया था हमने ड्यूरिंग दैट यूक्रेन रशिया वॉर, एंड थर्ड टाइम वी आर टेस्टिंग इट राइट नाउ। 17500 क्लोजिंग बेसिस में रिमेंस अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट फॉर द मार्केट। इफ इट ब्रेक्स इट शुड ओपन द फ्लड गेट्स फॉर अ न्यूअर लो समवेयर अराउंड 16800 17000। बट माय सेंस इज इट्स इंटरेस्टिंग टू सी हाउ US मार्केट्स परफॉर्म फ्रॉम दिस ब्रेकडाउन। US मार्केट में भी 3 वीक के बाद में कंसोलिडेशन वाले बाद में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आया है, तो वहाँ पे फॉलोअप सेलिंग आती कि नहीं आती देखना चाहिए। बट एज फार एज आवर लेवल्स आर कंसर्न 17500 ऑन द क्लोजिंग बेसिस शुड बी अ स्टॉप लॉस फॉर योर लॉन्ग पोजीशंस इन केस यू आर होल्डिंग एनी लॉन्ग पोजीशंस इन निफ्टी। वी हैव बीन बेरिश ऑन द मार्केट एवर सिंस 17800 हैज बीन ब्रोकन। सो माय सेंस इज 17500 गेट्स ब्रोकन, अनदर 500 600 पॉइंट्स कैन बी टेकन ऑफ। If it doesn't get broken, again we get into that sideways zone where Nifty goes all the way up to 18,000. Again we spend some more time and we remain range bound. So out and out तेजी तो नहीं दिख रही, at least what it can be neutral or it can be properly bearish in case 17,500 gets broken on closing basis. Yeah, so Snehil Sinha has asked a question regarding Nifty versus gold or dollar index interpretation. So like I said, it can be done, cross sector, cross asset class comparison can be done, and generally I look for patterns. So whenever you find a ratio chart, if you find like a rising parallelogram, falling channel, if you find like a triangle, if you find multiple supports or resistances being taken out, you can actually take that directional trade. Generally, historically, if you take 20 years of data, equity has been negatively correlated with what is happening in gold, precious metals. So, generally that has been the relationship. But if you're looking for micro trades, I think it's best to do it on a day-to-day basis where you see daily charts and do the similar analysis on the ratio chart and then take a call. Okay, so Mr. Hajib has asked that Do you give weightage to RSI versus the ratio chart and also the moving average crossovers for ratio chart? This is a very good question to be having. So for me, I keep it very simple. Bhav Bhagwan hota hai. Volumes, ek conviction batata hai ki us Bhagwan mein kitna conviction hai logo ko, us view mein kitna conviction hai logo ko. Aur market ka jo sentiment hai wo aapko batata hai ki bhi equity plus hai ki equity minus hai global level par. So generally I go by that approach where I give most weighted to the price. Ab RSI kya hai? Derivative hai. RSI price se nikala jata hai. So many times there are traps which we can fall into. If we don't, generally I wait for 2 or 3 confirmations. So A, you have a pattern, then you have a volume confirmation, and then an RSI is also confirming a certain view. I take the trade and generally the trade works out to be pretty decent. So the best thing to do is wait for multiple confirmations. Sirf ek cheez ke dam pe aap buy or sell mat kijiye. आपको वॉल्यूम पे भी ध्यान देना है। आपको प्राइस सबसे ज्यादा वेटेज में आएगा। अगर आप 100 मार्क्स देते हैं तो मेरे हिसाब से 50 मार्क्स आपको प्राइस को देना चाहिए। अनदर 30 मार्क्स शुड बी गिवन टू वॉल्यूम्स एंड द रिमेनिंग 20 कैन बी गिवन टू इंडिकेटर्स लाइक RSI, MACD एंड सो ऑन। यू कैन यूज एनी नंबर ऑफ इंडिकेटर्स बट बॉटम लाइन इज प्राइस इज अबव ऑल। इफ यू आर एबल टू डिसिफर प्राइस एक्शन वेल, दैट डज अबाउट 80% ऑफ द जॉब एंड यू कैन हैव योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी व्हिच इज प्रॉफिट।
free time until 16:45 and try to see which question can we add over here. So, okay, so what to do with stocks which do not have an index? For example, sugar stocks do not have an index. How do we compare them? So this is a good one to be answered. You know, this is a good question once again. Ideally, wherever there is, you know, the index is not available, the best thing to do is you should compare it with the closest index that you can get. So for example, you know, sugar as a sector. So there are two types of relative comparison that you can do. So maybe a Balrampur Chini divided by Dhampur Sugar, for example, you can do comparison, divided by Renuka, you can do another comparison. Or you can simply do, okay, Balrampur Chini is a sector leader, I will see how it is faring with the Nifty. So Nifty broader index ke saath mein, how is it positioned, that will give you some insight. So not having an index should not be a limiting factor. You can do it within the sector or you can do it with the broader index, which is Nifty 50. So one last question. Okay, so basically one question that has come up is as far as the PSE index. So PSE index is making lows in the current market fall. So see, ratio charts, the beauty of ratio charts is all about relative. See, what happens is, if I tell you that, you know, X company has a PE ratio of, say, for example, 20, it has a earnings visibility of blah, blah, blah. Will you invest in that company? What happens is, when you take standalone decisions on standalone companies, standalone stocks, many times, you know, it becomes a relatively difficult thing to do if it is an uncharted stock, if it is an unanalyzed stock. But when you do a comparative study, you get to know, okay, this is an apple to apple comparison or this is an apple to orange comparison. So in comparison, what happens is, when a ratio chart is suggesting that, you know, the particular sector should do well, it does not mean that wo sector girega hi nahi. Wo sector girega, lekin Nifty ke comparison mein kam girega, ya broader market ke comparison mein kam girega. और जब चलेगा तो अपसाइड इज सिग्निफिकेंटली लार्जर. सो व्हेन यू यूज रेशियो चार्ट्स एंड सम ऑफ द चार्ट्स दैट आई हैव शोड यू, मोस्ट ऑफ देम आर मंथली एंड वीकली चार्ट्स. सो वी आर स्टडीइंग मैक्रो ट्रेंड्स ओवर हियर. मैक्रो ट्रेंड में आप डेली ट्रेड्स मत ढूंढिएगा, यानी कि मंथली चार्ट देखकर डेली ट्रेड्स मत कीजिएगा. इट विल बी मिसलीडिंग, यू विल फॉल, यू नो, द व्यू विल गो रॉन्ग एंड इवेंचुअली विल यू विल नॉट स्टॉप यूजिंग दिस स्ट्रेटजी. अगर आपको डेली ट्रेड करना है तो आप डेली चार्ट्स देखिए रेशियो चार्ट्स का, और उसमें अगर कोई ट्रेंड पकड़ में आते हैं तो आप काम कीजिए. Weekly, monthly charts देखकर मत कीजिएगा. And when a ratio chart is trending up or it is trending down, it doesn't mean कि correction आएगा ही नहीं stock के अंदर या relationship reverse होगा ही नहीं. होगा, but then on a comparative scale, the alpha will be there in something like, you know, the sector which is doing well, and the underperformance will be there in the broader the denominator that we use. So this is where the beauty of the ratio charts is. It is not absolute, it is relative comparison. Okay, so a lot of you have suggested that, you know, we should keep something like this every weekend where, you know, we are sharing some of the knowledge that we are able to gather. Yes, we take that as a feedback and we'll try to get you as many webinars as we can. Frankly, you know, thanks to Meridian, thanks to the entire, you know, sales team of JM Financial for, you know, making this possible. Some of the questions I have missed out, in case you, you know, just to do justice, you can drop me, you know, a message on Twitter. You know, I'll be more than happy to address your questions. I think as a time window, we have hit our time limit. All right, thank you so much and have a good evening, rest of the evening ahead. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.